बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर्स के बाद अब दमन फिल्म पर आया वरुण धवन का रिएक्शन। तो आखिर क्या बोले वरुण धवन दमन फिल्म पर, आइए जानते हैं इस वीडियो में। उससे पहले दोस्तों मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यार 5 के बहुत जल्द होने वाले हैं। दमन फिल्म का दोस्तों अभी टाइम में आप लोगों को पता ही होगा ये कितनी ज्यादा चर्चाओं में चल रही है और धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही है। इस फिल्म को 4 नवंबर को ओडिशा के अंदर रिलीज किया गया। उसके बाद ये फिल्म ओडिशा में इतनी ज्यादा चली कि 7 दिन बाद मेकर्स ने इसे ओडिशा के बाहर भी रिलीज कर दिया। हालांकि ओडिशा के बाहर भी इसे ओडिया लैंग्वेज के अंदर रिलीज किया गया। उसके बाद भी ओडिशा के बाहर भी ये फिल्म काफी अच्छी चल रही है। अभी तो ये हिंदी में रिलीज नहीं है, फिर भी लोग इसे काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत जल्द इसे हिंदी में भी रिलीज करने की फुल तैयारी चल रही है। अभी टाइम में इसकी हिंदी डबिंग चालू है और दमन की हिंदी रिलीज का सुनकर बॉलीवुड वाले काफी ज्यादा सदमे में और अलग अलग तरह से रिएक्शन दे रहे। हाल ही में वरुण धवन ने भी दमन फिल्म पर अपना रिएक्शन दिया। वो दमन फिल्म पर क्या बोले क्या नहीं बोले, आइए जानते इस वीडियो में। अब वरुण धवन का दोस्तों आप लोगों को पता होगा 25 तारीख को ही इनकी भेड़िया फिल्म रिलीज होने वाली है। उसी को लेकर अभी टाइम में इनके कहीं इंटरव्यू लिए जा रहे हैं। खैर अभी हाल ही में कल पता नहीं ये कहां से आ रहे थे, तभी एक न्यूज रिपोर्टर इनके पास जाकर इनसे कुछ सवाल जवाब करने लगी। स्टार्टिंग में ही मैंने बताया कि 25 तारीख को इनकी एक भेड़िया फिल्म आने वाली है और उसी के बारे में अभी टाइम में इनके कहीं इंटरव्यू लिए जा रहे। उसी के बारे में इनका यहाँ पर इंटरव्यू चल रहा था और उसमें उनसे पूछा गया कि भाई आपकी अपकमिंग फिल्म भेड़िया कैसी होने वाली है वगैरह वगैरह। कुछ टाइम इनका इसी तरह का इंटरव्यू चलता रहा। उसके बाद मीडिया वाले ने पूछा कि भाई आपकी ही फिल्म के आसपास ओडिया की भी एक फिल्म हिंदी में रिलीज होने वाली है, तो उससे आपकी फिल्म पर कुछ इफेक्ट पड़ सकता है या फिर नहीं। इस पर वरुण धवन बोले कि देखिए इस बार जो मेरी फिल्म है भेड़िया उसको लेकर काफी ज्यादा हाइप बनी हुई है, लोग उसे देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है, मुझे नहीं लगता कि इसके सामने वो फिल्म टिक पाएगी। उसके बाद मीडिया वाले बोले कि भाई आपकी फिल्म से ज्यादा उस फिल्म को लेकर हाइप बनी हुई है, उस फिल्म का लोग 15-20 दिन से हिंदी में आने का वेट कर रहे हैं, तो अगर ये भी आपकी फिल्म भेड़िया के आसपास ही रिलीज हो जाती है तो फिर क्या होगा। जिस पर वरुण धवन बोले कि भाई देखिए इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, इस बार फिल्म की स्टोरी काफी यूनिक रखी गई है इसलिए लोग उसे काफी ज्यादा पसंद करेंगे। अब उसके बाद फिर से मीडिया वाली बोली कि भाई स्टोरी तो उसकी भी काफी यूनिक है, उस फिल्म की स्टोरी एक सच्ची घटना पर आधारित है और वो स्टोरी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रही है। अब ऐसा बोलते ही वरुण धवन थोड़े बहुत अंदर ही अंदर गुस्सा हो गए और बोलने लगे भाई ऐसी फिल्मों को तो हिंदी में रिलीज भी करने नहीं देना चाहिए, इन फिल्मों की वजह से तो पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री बर्बाद होने को आई है।